हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, करेंटली आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी सबसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो टेक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सियाराम। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेके जैसे थोड़ा सा गिल्ट है इस इंसान के मन में। ये इंसान सॉरी फील कर रहे हैं, नो मैटर ये सॉरी बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ सॉरी तो डेफिनेटली फील कर रहे हैं। ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि दे आर फीलिंग सो गिल्टी। पास्ट में इन्होंने अगर आपको हर्ट किया या फिर कुछ ऐसा किया जिनको नहीं करना था, और आप जिस भी वजह से हर्ट हुए इनकी तरफ से, तो उसके लिए ये थोड़ा सा अंदर से जैसे इनको एक बर्डन है, या आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं या आपको मनाना चाहते हैं। सो आज मनाने की एनर्जी है, जैसे आपकी पर्सन लिटरली कि भाई मान जाओ प्लीज़ बाबू, मान जाओ नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, और अगर नेक्स्ट टाइम किया तो अब की बार थोड़ा जल्दी मनाने आ जाऊँगा। मतलब कहीं ना कहीं मतलब सोच तो रखा है कि हाँ हरकतें तो ये करेंगे थोड़ी बहुत। देखिए, कई सालों का बिगड़ा हुआ कोई भी इंसान मान लीजिए, वो ऐसे कैसे सुधर जाएगा महीनों में, समझते हो? कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो अगेन, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ओके चैरियट का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने ठान लिया है कि बस मुझे अभी मेरे पर्सन की तरफ जाना है तो जाना है, क्योंकि इनके इमोशंस इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। इमोशंस देखिए, इमोशनल हो रहे हैं अंदर ही अंदर, जैसे एक इमोशंस का अंदर ही अंदर पहाड़ टूट रहा है, और जैसे इनके इमोशंस क्या हैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना भी चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। इमोशंस, जेन्युइन इमोशंस मुझे दिखे हैं यहाँ पे। मुझे वो वाला लव नहीं दिखा, टाइम पास वाला, नो जेन्युइन फीलिंग है गाइस। नो मैटर ये कैसे एक्ट करते हैं, कैसा इनका बिहेवियर है ये अलग बात है, लेकिन हाँ इमोशंस तो भाई जेन्युइन है, जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं और आप ही से करते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड तो मुझे लिटरली यही बताता है कि बस सिर्फ तुम। ओके अगेन चैरियट, डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन आने वाले हैं, एक इस कनेक्शन में एक मूव लेने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका यही होगा कि इनको आपकी तरफ आना है। फूल का कार्ड मुझे लिटरली बता रहा है कि नंबर ओके अभी एफर्ट डालना चाहते हैं, अभी ये रिस्क लेना चाहते हैं, इन ये सोच रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मैंने मेरे पर्सन को खो दिया, अभी मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। एक बार रिस्क ले लिया थर्ड पार्टी की तरफ जाके, एक बार इन्होंने रिस्क लिया था। देखिए कैसे, मतलब पहाड़ के ऊपर खड़े होके, पहाड़ की चोटी पे खड़े होके रिस्क लेना चाहते हैं कि एक बार कूदना है, ये एक्सपीरियंस लेना है कि ऊपर से अगर मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता हूं, तो मेरे क्या क्या टूटता है। तो इनका सब कुछ टूट गया, इनकी हड्डी टूट गई, इनका हार्ट टूट गया, सब कुछ टूट गया। अभी ये रिस्क लेना चाहते हैं कि कैसे भी करके ये आपकी तरफ आएं। खुद टूटे हुए हैं लेकिन ये आपको मनाने के लिए आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहे थर्ड पार्टी की तरफ से चाहिए हर्ट हो, लेकिन ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं। ये अभी बिल्कुल नहीं चाहते कि आप हर्ट हों, आप इनकी वजह से हर्ट हो, एटलीस्ट इनकी वजह से तो आपको कोई अभी आगे प्रॉब्लम ना हो, इतना ये एफर्ट डालना चाहते हैं। लेकिन क्या पता आगे के आगे देखेंगे भाई इनसे कितना हो पाएगा, आपको अच्छे से बताइए कितना कर पाएंगे। वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, सिक्स ऑफ कप्स, नंबर सिक्स, नंबर सेवन, जून जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो स्ट्रांगली यहाँ पे है भाई। सन का कार्ड है एरिस लियो सेजिटेरियस, सो आपके पर्सन बहुत 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 पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। एक इनका एक विजन है पॉजिटिव, जैसे कि मैं ऐसे जाऊँगा तो मेरी पर्सन हंस के मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, और ऐसा नहीं तो वैसे सही, मतलब प्लान्स हैं इनके पास, प्लान इन्होंने बना रखे हैं। पहले ही बता दूं मैं कि अगर आपने ऐसे रिजेक्ट किया तो ये वैसे ट्राई करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो बोलते नहीं हैं, लेकिन हाँ उनके अंदर ही अंदर चलता रहता है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी।
तो ये वो कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा है मुझे, ये सोलमेट आपके या ट्विन हो सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बैडली मैडली मिसिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं मिस करके अपसेट भी हो रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं, पास्ट में जो भी मोमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए उनको स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से। और क्या है, सॉरी, आपके जैसे आपके पर्सन नहीं सुधरेंगे वैसे मेरा गला भी नहीं सुधरेगा। ये होता सा होगा, अरे पता नहीं क्या एलर्जी हो गई, क्या हो गया, नज़र लग गई मुझे। बहुत अच्छा गाते हो, नज़र लगा दी आप लोगों ने मेरे को, चाहे मैं अच्छा नहीं गाती थी लेकिन एज अ टावर पे तो नहीं चढ़ाना था ना, मैं गिर गई उस टावर से। ओके, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सॉट्स, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ओके, सेवन ऑफ सॉट्स, नहीं 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 ये हो नहीं सकता, इतनी लवी डवी एनर्जी आने के बाद सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स किसके लिए, लेट मी चेक। वैसे आप लोगों ने नोटिस किया पेज ऑफ कप्स एंड ये क्या था, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स में एक इंसान कप लिए है, तो कुछ ना कुछ तो आपको ये देने वाले हैं। अरे रहने, धोखा नहीं देने वाले, वो तो ऑलरेडी दे चुके हैं, कुछ और ही है अभी। आप सोचते रहना सारे दिन की क्या है, मैं नहीं बताने वाली, अरे कप ही है, दिखाई नहीं दे रहा, मेरे मुंह से ज़्यादा सुनना है, ठीक है, कप है ये, कप, लव वाला कप। अरे वाह, ये एनर्जी देख के पता है मुझे क्या फील हो रहा है, देखिए मुझे आप क्या कर रहे हो ना, वर्क कर रहे हो, आप साइलेंट हो चुके हो, आप आगे से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, आपने अपने फीलिंग्स को शो करना बंद कर दिया है, आप प्रटेंड कुछ और कर रहे हो, ये ब्लॉकेज मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है, जैसे आपने एक ब्लॉकेज, एक दीवार बना ली है कि नहीं कमिटमेंट देना है, क्लैरिटी देने तो ही आओ, और अब ये इंसान आपके अंदर वो पहले वाले अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो बहुत इमोशनल हुआ करता था, अब ये चाहते हैं कि आपके मन में वही इमोशंस फिर से जागृत हो, अभी आपके मन में भगवान को देख पा रहे हैं, है ना, आपको भगवान आपके अंदर, जैसे मतलब आप भगवान में लीन हैं, आप खुद में बिजी हैं। अब पता है लिटरली मुझे कौन सा सॉन्ग क्लिक हुआ इस एनर्जी को देख के, आपको देख के, इनकी लिटरली ये लाइन है, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा। सो आपके पर्सन आपके मन में आग लगाने वाले हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी को वैसे लग चुकी है, इनकी ऑलरेडी लग गई है बॉस, इनके लग गए सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड पार्टी के लिए है ना कि आपके लिए, तब भी मैं सोचूं थर्ड पार्टी निकलने वाली है, एग्जिट गेट पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक कपल मुझे दिखा है, तो या तो ऑलरेडी ये मैरिड हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये इनके पेरेंट्स हैं, फॉर शो एक कपल मुझे दिखा है, अरे इनके भाई भाभी भी हो सकते हैं, लेकिन एक कपल मुझे दिखा है। सो ये जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल बनी हुई थी, जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही थी, सच्चे प्यार में दीवार बन के खड़ी थी, वो जो थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं एग्जिट गेट पे है, निकलने वाली है। अगर मैं सच बताऊँ, वैसे सच ही बता रही हूँ, शॉर्ट में बताऊँ, इन शॉर्ट में निकलने वाली नहीं है, आपको लगता है निकलने वाली है, आपके पर्सन निकालने वाले हैं, आपके पर्सन ही गए थे उसके पीछे और अभी यही निकालने वाले हैं उसको। ओके, मैसेज आया है, ये समय सही नहीं है, सो ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इनको राइट टाइम का वेट है, कब राइट टाइम आए तब ये आपकी तरफ आए। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आप हो तो सब कुछ है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सॉन्ग सुन लेना, क्लिक हो रहा है बार बार। ओके, आपके बिना कहीं मन नहीं लगता, ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, देखिए ये दोनों ही मैसेज जैसे इसी सॉन्ग से मैच कर रहे हैं, तो सुनिएगा ज़रूर, सैड एनर्जी है, बैडली मैडली मिसिंग एनर्जी मैंने बताया था, सिक्स ऑफ कप्स वही है, सारी गलती मेरी थी, सॉरी, मैंने कहा था ना मनाने आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, वो है ज़रा खफा खफा कि नैन यूं चुराए हैं, आप नैन चुरा रहे हो, ठीक है, आप सबसे अलग हो क्योंकि आप इनसे नैन चुरा रहे हो, लोग इनसे नैन मिलाने के लिए तरसते हैं, आप इनसे नैन चुरा रहे हो। वैसे आप कब से चोर बन गए भाई, हम तो थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे थे, नहीं बदनाम कर रहे थे उस बेचारे को, प्लीज़ मुझसे बात करिए, आप बात नहीं कर रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं मनाने कि एटलीस्ट बात तो करो। आप, हो सकता है आपका नो कॉन्टैक्ट जोन चले हुए बहुत महीने हो गए, महीने भी नहीं हुए तो दिन हो गए, दिन भी नहीं हुए तो घंटे हो गए, अरे सच्चे प्यार में यही तो है, प्यार में ये घंटे भी हमें सालों लगते हैं। सो ऐसा हाल आपके पर्सन का है,
ओके, कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पर्सन के या आपके नेम के हो सकते हैं. अरे ये तो हमारे पतिदेव का नेम का इनिशियल आ गया, यू. अरे वाह, पूरा ही नेम हो रहा आज तो. एम, मैं मेरे पति देव का नाम अपने मुंह से नहीं लूँगी, उम्र कम होती है ना. अरे नहीं भी होगी तो नहीं लेना मेरे को, आप देख लेना क्या नाम है उनका. ई, ओके. ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो उन्हीं की रीडिंग है. ये नंबर 5 है वैसे, आप इसको एस भी ले सकते हैं, नंबर 5 भी. ओके, एच देख लीजिए, अभी ये नाम है हमारे पति देव का, यू एम ई एस एच. नेम नहीं लूँगी मैं, नाम ना. ओके, ओ, ये इनिशिएटिव, सॉरी इनिशियल किसी के हो सकते हैं, किसी नेम में भी हो सकते हैं. वाह, ये तो हो गया. ओए, जो मैं इनको बोलती हूँ, हाँ मैं उनका नाम नहीं लेती, बाकी मैं सब कुछ बोलती हूँ इनको. नंबर 2, सो फेब्रुअरी मंथ, मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है. ये है क्यों भाई, क्यों क्यों आए आप, इस क्यों की क्या ज़रूरत थी. एन जी, सो ये आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं. आज तो भाई हमारे पति देव मुझे लगता है एट प्रेजेंट टाइम मेरे को बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तभी ये नेम, मतलब पूरा का पूरा कैसे आ सकता है भाई, पूरा कंप्लीट हो गया नेम. ओए होए, ओके. सो अभी सॉन्ग देख लेते हैं. आपकी पर्सन की तरफ से सॉन्ग क्या आया है. ओके, लेट मी चेक. अच्छा सॉन्ग है तो फिर आओ. तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा. वैसे ये सॉन्ग के आगे की लाइन मुझे आती भी नहीं है, और वैसे ये इतने सुर में ले भी नहीं पाऊँगी. आप सुन लेना यूट्यूब पे. देखिए, इस इंसान ने आपका यकीन नहीं किया, इन्होंने तो थर्ड पार्टी का यकीन करना था और इन्होंने किया. ले लो पकौड़े, पकौड़े. अभी क्या हुआ, क्या किया थर्ड पार्टी ने, आगे ना झक मार के इधर ही. सो जब आना ही था तो क्यों गए थे, अरे लेसन लेने गए थे, नहीं पता, सीख लेने गए थे, ठोकर खाने गए थे, एक्सपीरियंस लेने गए थे. सो थर्ड पार्टी को बुरा कोई नहीं कहेगा. अगर थर्ड पार्टी नहीं आती तो आपकी पर्सन कभी आपकी वैल्यू को वैल्यू नहीं कर पाते, आपकी वर्थ नहीं समझ पाते कि आप चीज़ क्या हैं. ओके, यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्वीन ऑफ वांड्स, स्माइल करिए, अट्रैक्टिव बनिए. आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, देख रहे हो कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, दौड़ के आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं. आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन पे वाइट मैजिक करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हैं. सेल्फ लव की यही तो खासियत है, जब आप सेल्फ लव करते हो तब भाई एवरीवन सभी, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, होगा, होना ही पड़ेगा. जो इंसान खुद से प्यार करता है उसे कौन प्यार नहीं करना चाहेगा. तभी ये मैजिशियन का कार्ड था, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. आप ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, ऐसी ही एनर्जी में रहिएगा. सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें. जय सियाराम.